दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि मैं समय समय पर अपने शेयर से संबंधित अपडेट देते रहता हूँ, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर शेयर को खरीदने 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 बोलता हूँ, जो शेयर मैं खरीदने बोलता हूँ उसको समय पर कोशिश करता हूँ कि प्रीमियम सर्विस की तरीके से आप लोगों को भी समय पे एग्जिट करा दूं। दोस्तों, आज मैं एक शेयर लेके आया हूं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर, जो अभी 6.20 रुपया पे ट्रेड कर रही है और 6.74 रुपया पे इसका हाई है और 2.15 रुपया का इसका 52 वीक लो है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैंने 15 अप्रैल 2020 को एक पोर्टफोलियो लॉन्च किया था 10 शेयर का। उस शेयर का मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला, लेकिन उसके बावजूद बहुत लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मेरा कहना है कि उसे देखना चाहिए था। उस समय वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, चूंकि मैं बिल्कुल नया यूट्यूब वीडियो बना रहा था, लेकिन मेरे 10 पोर्टफोलियो का जो लगभग एवरेज आप रिटर्न देखेंगे तो भी 2 गुने से 3 गुने के बीच में है। तो एक शेयर 10 शेयर में बताता हूँ, एक शेयर मल्टीबैगर हो जाता है, तो सभी यूट्यूबर्स करते हैं, लेकिन वो एक पूरा पोर्टफोलियो मल्टीबैगर रिटर्न दे दें या साल में डबल हो जाए, यह कोई आसान काम नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको सुनाता हूँ कि मैंने उस वीडियो में क्या कहा था। इसका बुक वैल्यू 167 रुपीज है, बुक वैल्यू की तुलना में बहुत ही चीप और बहुत ही सस्ता फ्री में मिल रहा है, इसे फेवरेट कंपनी के रूप में आती है। दूसरी कंपनी IL&FS ग्रुप का है, IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर है। यह कंपनी टोटली डेट फ्री है, चूंकि कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी, पूरे का पूरा ग्रुप बैंकक्रप्ट हो गया था, भारत सरकार ने उसको टेकओवर किया, लेकिन इस कंपनी पे IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर पे कोई डेट नहीं है, और ये इस क्षेत्र की एकमात्र कंपनी लिस्टेड कंपनी है। यह कंपनी का प्राइस 2.40 रुपये पे ट्रेड कर रही है, और यह कंपनी पर ईयर एवरी ईयर 30 पैसे का डिविडेंड देती है, जो 12% के आसपास होता है। कंपनी का बुक वैल्यू भी 3.86 रुपये के आसपास है, और डिविडेंड 30 पैसा हो गया, प्रमोटर होल्डिंग 50.4% के आसपास है। तो कंपनी अच्छी है, कुछ नहीं तो आपका पैसा सेफ रहेगा और 12% का डिविडेंड देता रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि कंपनी उस समय 30 पैसा, चूंकि उस फाइनेंशियल ईयर में 30 पैसा का डिविडेंड दी थी, लेकिन अभी जो इस साल इसने 2020 में जो डिविडेंड दी है, देखिए 2/11/2020 को कंपनी ने 60 पैसा का डिविडेंड दी है, और हमने जो वीडियो बनाया था वो कब बनाया था, 15 अप्रैल 2020 को। अर्थात मेरे कहने पे जो लोगों ने 2.40 रुपये पे इसमें निवेश किया होगा, उन लोगों को 60 पैसा का तो डिविडेंड मिल गया, जो लगभग 20% के आसपास है, और आज के प्राइस पे जो है लगभग 183% का रिटर्न उनको मिल चुका है। कंपनी का पैरामीटर बताता हूं, देखिए फाइनेंशियल में अभी आप देखेंगे तो देखिए 2.15 रुपये का 52 वीक लो है, और 6.74 रुपये का इसका 52 वीक हाई है, और 6.20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 195 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का जो देख रहे हैं बुक वैल्यू 3.74 रुपये के आसपास है, डिविडेंड यील्ड इस प्राइस पे भी 10% के आसपास है, जो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन जो मुद्दे की बात है वहां पे मैं सीधे आपको ले चलता हूं। देखिए यहां पे पैरामीटर देखिए, कंपनी पिछले 5 साल में कंटिन्यू इनकम ग्रोथ इसका माइनस में रहा है, पिछले 3 साल में भी लगभग 25% माइनस रहा है, पिछले 1 साल में भी लगभग 34% माइनस रहा है, अभी आगे कैलकुलेशन करेंगे इसका। और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए तो कंटिन्यू माइनस में रही है, ROE मात्र अब 6% के आसपास रह गया है, अब 5 ईयर में देखेंगे तो 15% के आसपास दिखेगा, यहाँ भी ROCE देखेंगे तो 5 साल में तो 20% दिखेगा, लेकिन अब यह 10% के आसपास रह गया है। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूं, देखिए ये होता है PEG रेशियो जो होता है वो 1 से नीचे अगर रहता है तो कंपनी का वैल्यू सही रहता है, 3.94 का मतलब इस प्राइस पे कंपनी जो है ओवर वैल्यूड है। कैसे है वो मैं बताता हूं आपको,
मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मैं सीधे ईयरली इनकम पे ले चल रहा हूँ। देखिए ऑपरेटिंग इनकम जो इसकी है 2016 में 100 करोड़ के आसपास थी, 2017 में 61 करोड़ के आसपास थी, 2018 में 37 करोड़, 2019 में 36 करोड़ और 2020 में मात्र 23 करोड़ के आसपास रह गई। अर्थात कंपनी जब से बैंकक्रप्ट हुई और इसका जो मैनेजमेंट चेंज हुआ, कंपनी कंटिन्यू अपना मार्केट शेयर लूज करती रही है और कंपनी का इनकम कंटिन्यू गिरता रहा है। अब मुद्दे की बात यह है कि इस प्राइस पे 6.20 रुपए पे अब मुझे लगता है कि यह कंपनी आगे ग्रोथ करने लायक नहीं है और कंपनी जिस तरीके से मार्केट शेयर लूज कर रही है, आपका पैसा खतरे में पड़ सकता है। कंपनी डेट फ्री आज भी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज व्यक्ति चला रहा है, लेकिन ऐसा है ना कि सरकारी आदमी तनख्वाह तो मिली रही है तो काम करने की क्या जरूरत है। उस तरीके से कुछ ऐसा लग रहा है मैनेजमेंट जो है इस कंपनी को सर्वाइवल कराने की बजाय हमें लग रहा है कि सही से काम नहीं कर रही है। और 6.20 रुपए पे, चूंकि मैंने इसमें 2.40 रुपए में आप लोगों को निवेश करवाया था, जो लोगों ने भी निवेश किया होगा, कुछ हमारे प्रीमियम होल्डर भी थे, कुछ हमारा खुद का निवेश भी था इसमें, तो हम इसमें से एग्जिट करने की सलाह देते हैं। और इसका अगर जो क्वालिटी स्टॉक है जिसमें मल्टीबैगर होने की संभावना है या अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है, उसमें इसको इस रेट पे स्विच कर जाना चाहिए, इस प्राइस पे अब इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया था। और अगर 60 पैसा आप जोड़ देंगे तो 6.80 रुपए के आसपास आज आपको मिल रहा है डिविडेंड के साथ साथ, और 6.80 रुपए जो 2.40 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो लगभग नियर अबाउट 3 गुना आपका प्राइस हो चुका है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और दूसरी कंपनी में आप अपना पैसे को निवेश कर सकते हैं, जहां आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और एक अच्छा रिटर्न दे। दोस्तों इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता हो, अगर इस तरीके से राइट टाइम टू इंटर राइट टाइम टू एग्जिट आपको पता करना हो, तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको यह इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।